अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाकीज़ा किचन। आप सभी को आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। टमाटर को हम किस तरह एक साल तक के स्टोर करके रख सकेंगे। तो ये 3 किलो टमाटर मेरे पास है और इसे मैंने धो के अच्छी तरह से सुखा लिया है और इसके 3 स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये फर्स्ट स्टेप है। हम इसमें क्या करना है, कोई भी बड़ा सा आप एयरटाइट डब्बा लें और इसमें इस तरह का टिश्यू पेपर रख दें मोड़कर, या टिश्यू पेपर आपके पास इस वक्त ना हो तो आप जो न्यूज़पेपर होता है घर में वो भी आप इस पर रख सकते हो। और इस तरह हमने रख लेना है और टमाटर को इस पर रखते जाएंगे। सारे टमाटर हम इस पर सेट कर लेंगे। अगर आपके पास बड़ा डब्बा हो, आपकी फैमिली बड़ी हो, ज़्यादा स्टोर करना है तो 3 से 4 किलो के टमाटर आप बड़े डब्बे में इस तरह रख सकते हो। और इसे हम कवर करके रख देंगे। इसे डीप फ्रीजर में नहीं रखना, हमें नीचे फ्रिज में रखना है। और जब भी इस्तेमाल करना हो आप निकाले आराम से, 15-20 दिन देखने की ज़रूरत ही नहीं। बहुत ही बेहतरीन ये टिप्स हैं, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब ये दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये प्लास्टिक की जो थैली हमें किराने की दुकान पर मिलती है, इसे मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया और सुखा लिया है। और इसके हमने क्या करना है कि जो आप जो डब्बे में आपने इसे रखना है उसकी थोड़ा सा हम नाप लेके कट कर लेंगे, क्योंकि लॉकडाउन है तो हमें बाहर जाकर प्लास्टिक के रैप वगैरह नहीं मिलते। इस तरह हम घर में ही जो थैली है प्लास्टिक की रहती है उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके हम इस तरह के पीसेस तैयार कर लेंगे। ये 3 से 4 पीसेस हमने निकाल लिया काट के। आपको जितनी लेयरिंग करना है, जितना आपके पास डब्बा हो उस हिसाब से कट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने सब क्या करना है, सबसे पहले ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हम कट कर लेंगे और टमाटर के बीच से कट करके हम 2 टुकड़े और कर लेंगे। तो 4 टुकड़े हमें एक टमाटर के कर लेने हैं इस तरह से। इसी तरह हम सारे टमाटर को काट कर जितना हमको रखना है स्टोर करके इसे हम कट कर लेंगे और इसे इस तरह एक लेयर बिछा देंगे। जिस आपको जिस डब्बे में रखना है और फिर उसके ऊपर ये प्लास्टिक हमने रख देना है और इसी तरह दूसरी लेयर करना है। ये प्लास्टिक की लेयर निकालने से बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि आसानी से हमारे टमाटर निकल आते जब हम यूज़ करेंगे। और ये देखिए, जितना हमने आपका डब्बा जो आपने रखना है जिसमें वो किस साइज़ का बड़ा होगा, तो आप इस तरह प्लास्टिक की लेयरिंग करते जाइए टमाटर के और प्लास्टिक का ऊपर कवर कर लें और आखिर में इसके ऊपर एक प्लास्टिक का इस तरह टुकड़ा हम रख देंगे अच्छी तरह से। इसे लगा के इसे हम कवर कर लेंगे। और इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे और इसे हम रखेंगे फ्रीजर में, डीप फ्रीजर में, क्योंकि इसे हमें 1 साल तक इस्तेमाल करें इंशाल्लाह बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब आपके साथ हम तीसरा स्टेप शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर टमाटर को हमने पहले ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे कट कर लेंगे और टमाटर को रफली हम जैसे काटते हैं वैसे काट कर जार में डाल देंगे। और इसे कट करके इसे पीसने के वक्त में इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाल देना। नमक डालने से बहुत ही अच्छी तरह से इसका पेस्ट आसानी से बारीक हो जाता है। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसका बिल्कुल बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और यहाँ हमें चाहिए आइस ट्रे, इसमें हमें टमाटर के पेस्ट को सेट करना है। तो ये देखिए, हमने इसे बिल्कुल बारीक सा पीस लिया और 1 चम्मच नमक डालने से बहुत ही बारीक सा पीस जाता है। और थोड़ा थोड़ा हमने 1-1 बड़ा चम्मच इसमें डाल देना है। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और जब टमाटर सस्ते हों मार्केट में आप इसी तरह लाकर ज़्यादा से आप इसे स्टोर करके साल भर के लिए रखिए और आराम से इसे इस्तेमाल करें।
तो इसी तरह हमने सारा ट्रे में रख लिया, और जो बचा था इस तरह छोटी कटोरी हो एयर टाइट की उसमें भी आप रख सकते हो अगर ट्रे ना हो। और देखिए ये अब बिल्कुल सेट हो चुका है, तो इसे किस तरह हमने रखना है ये तरीका भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो प्लास्टिक होती है थोड़ी जाड़ी वाली, तो इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और इसे सुखा लिया था धूप में। और इस तरह हम ट्रे को एक के ऊपर एक रखकर इसमें प्लास्टिक में रख देंगे और इसे अच्छी तरह से लपट कर हम रख देंगे। तो ये साल भर आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई चीज़ की इसमें परेशानी नहीं होगी। और दूसरा ये करें कि जो आइस क्यूब के पीसेस को इस तरह निकाल लें और थैली में जमा कर लें, थैली में इकट्ठा कर लें या आपके पास एयर टाइट डब्बा हो तो उसमें रख लें। और इस तरह रखने से जगह भी हमारी कम जगह में ही अच्छी तरह से कितने भी टमाटर के हम इस तरह क्यूब रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा जो हमने सेट किया था ये भी आपके साथ बता रहे हैं, जिस तरह प्लास्टिक निकाले जब आपको इस्तेमाल करना हो। देखिए कितनी इजीली ये बिल्कुल निकल आएंगे क्योंकि हमने प्लास्टिक के बीच में पीसेस रखे हैं। और इसकी स्किन भी निकालना हो तो आराम से निकाल के कोई ग्रेवी में हम जिस तरह इस्तेमाल करते हैं, स्किन उतार कर ग्रेवी में इस्तेमाल करते हैं, तो आसानी से निकल जाएंगे और हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसे हम जब निकाल लें जितना आपको निकालना हो, फिर इसे कवर कर देंगे प्लास्टिक से और ऊपर ढक्कन लगा दें टाइट सा, और फिर फ्रीजर में हम इसे रख दें। तो ये तीनों टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया है, मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आए। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ इसे खूब शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।